हमने देहातों में देखा है लोगों को कि किसी जानवर को बाहर से अगर वो घर लाए ना तो जानवर जिद करता है, नहीं जाता, तो वो सामने से उस जानवर को ना चारा दिखाते हैं कि ये चारा खाने के शौक में घर के अंदर दाखिल हो जाए, और सिर्फ चारे की वजह से अगर अंदर दाखिल नहीं होता तो पीछे से डंडा भी लगाते हैं। बिल्कुल इसी तरह नफ्स की मिसाल भी गधे की मानद है। अब इसको दायरे शरीयत में लाने के लिए आगे से उम्मीद का चारा और पीछे से खौफ का डंडा, तब ये दायरे में रहेगा। एक चीज काफी नहीं है, तो जिस तरह खौफ जरूरी है ऐन उसी तरह उम्मीद भी जरूरी है। खौफ बढ़ जाएगा इंसान मायूस होकर काफिर हो जाएगा, उम्मीद बढ़ जाएगी इंसान अमल से हाथ धो बैठे जा फिर गफलत में पड़ जाएगा। तो बैलेंस रखने के लिए ये दोनों चीजें जरूरी हैं। उलमा ने नुक्ता लिखा है कि खौफ कब गालिब आए और उम्मीद कब गालिब आए, तो फरमाते हैं कि जवानी में खौफ गालिब आए, बुढ़ापे में उम्मीद गालिब आए। सेहत के जमाने में खौफ गालिब आना चाहिए, बीमारी के जमाने में उम्मीद गालिब आनी चाहिए, खुशी के जमाने में खौफ गालिब आना चाहिए और गम की कैफियत में उम्मीद गालिब आनी चाहिए। और अपने बारे में खौफ गालिब आना चाहिए और दूसरों के बारे में उम्मीद गालिब आनी चाहिए। قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال